बट हम अंदर का नहीं दिखा पाए थे, तो आज फाइनली हम मूव मंदिर जा रहे हैं और वहाँ का अंदर की आपको ब्यूटी, अंदर की आपको सारी जितनी भी वहाँ की मंदिर टेम्पल्स हैं आपको सब दिखाने वाले हैं, वहाँ का ब्यूटी दिखाने वाले हैं। अगर हो सकेगा तो हम उसके बैक में जो वहाँ पर रिवर है उसका भी हम आपको लुक दिखा देंगे। सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो देयर बिकॉज आज भगवान जी के वहाँ जा रहे हैं, सो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे आई होप सो। तो चलिए मेरे साथ अब मिलते हैं वो मंदिर में। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं भूम के लिए, भूम की तरफ, और इस बार आपको पक्का मंदिर दिखाने वाले हैं पक्का। तो गाइस हम लोग अभी पेट्रोल पंप आ चुके हैं फॉर दी फिलिंग पेट्रोल। तो फाइनली गाइस पेट्रोल भर चुका है और अब हम निकल रहे हैं भूम की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग भूम मंदिर पहुंच चुके हैं और आज तो यहाँ पे खुला है और लोग भी बहुत सारे हैं। तो गाइस हम लोग भूम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, हालांकि यहाँ पे कैमरा फोटो वीडियो ये सब बनाना मना है, पर हम छोटी छुप के बना लेंगे। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड दिस इज द मंदिर। अभी आपको हम पूरा घुमाते हुए दिखाते रहेंगे। ओके अंदर पूजा भी हो रही है एंड हम इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आए हैं, तो ये सामने मंदिर है श्री माँ तारा मंदिर। ये तारा मंदिर है आप देख सकते हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। तो गाइज यहाँ मंदिर में बनाने के लिए तो वीडियो बिल्कुल मना किया जा रहा है, अभी उन्होंने हमें रोक दिया, तो थोड़ा सा परमिशन लेके आए हैं। वो कह रहे हैं चोरी छुपे अगर बना सकते हो तो बना लो, तो लेट्स सी कि बनती है या नहीं बनती है। ओके चलो ट्राई करते हैं। और मंकी महाराज। तो गाइस ये हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं और उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं बोला और फ़ोन को ऐसे हाथ में छुपा रखा है ताकि अंदर के जो वो मंदिर वाले लोग हैं वो देख ना पाएँ, और फिर बाद में मैंने ये पीछे से वॉइस डाली है ताकि लाइक मतलब कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर देखो ये देखो जैसे मैं कैमरा ऐसे कर रही हूँ तो उस टाइम पे लोग आ रहे थे ना, बहुत छुपाना पड़ रहा था मंदिर, लाइक बहुत चोरी छुपके हमने ये वीडियो बनाई है गाइज। लिटरली हार्ट फेल होने को था कि यार अब पकड़े गए तो बहुत पिटाई लगेगी। सो अंदर से गाइज ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एज यू कैन सी ऑल दिस फ्लावर्स एंड ऑल स्टफ। ये जो कैमरा इतना हिल रहा है तो ये गाइज मैं छुपा रही हूँ कैमरा, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग हैं और ये डायरेक्ट मुंह पे मना कर रहे हैं कि फ़ोटो वगैरह कुछ खींचना अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर हम जस्ट एक पेड़ को ऊपर को देखने का बहाना कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक मंदिर का एक जो वहाँ पे सदस्य रहते थे वो हमें नोटिस करने लगे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं लाइक यू नो, तो वो हमें नोटिस कर रहे थे, तो हमने बोला चलो अब कुछ बहाना करते हैं। तो उस टाइम पे तो वॉइस नहीं आ पाई थी बिकॉज़ हमने बोला चलो हम खाली लाइक सीन ले लेते हैं और पीछे से वॉइस डाल के मैं आपको बाद में समझा दूँगी। तो ये था, बाकी उस टाइम पर पुजारी जी हमारे ऊपर बिल्कुल नज़र गड़ाए बैठे थे, तो इसलिए हम आपको मतलब उस टाइम पे हमने एक पेड़ का वो देखा था। बाकी ये मंदिर का लोकेशन है गाइज एज यू कैन सी, और ये सामने मंदिर के पड़ता है आप इस साइड से जब आएंगे तो, और ये यहाँ पे मंदिर में काम हो रहा है भूम मंदिर में आप देख सकते हैं, और ये मंदिर के वहाँ को थोड़ा सा आगे को जाते हुए, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स एलोवेराज, और यहाँ पे लोग रहते भी हैं, यहाँ पे माई का आश्रम भी है और यहाँ पर वो दवाई भी बनाती हैं, और ये भी एक मंदिर है। इसके अंदर भी मैंने बहुत चुपके से चोरी से जूम करके दिखाया क्योंकि अंदर यहाँ भी पुजारी था। उसके बाद फिर हम भाग गए यहाँ से, और ये फिर से हम कैमरा नीचे को करते हुए कि यार चलो
यहाँ साइड में रख लेते हैं और ऐसे करके दिखा देते हैं आपको। फिर मैं दूर से जूम कर रही थी और ये आगे को चलते हुए भूम मंदिर का ये आगे को चलते हुए है, तो ये घंटी बजा रहा है। इसको घंटी बजाने में अलग ही मजा आ रहा था। फिर मैंने भी बजाई, मैंने बोला मैं भी बजाती हूँ, उनको लगना नहीं चाहिए ना कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं चोरी छुपे। तो ये वहाँ का पीछे का एक लुक है, एज यू गाइस कैन सी इट। और यहाँ पे देखो साफ लिखा है, फ़ोटो खींचना मना है, सावधान, ऐसा वैसा आप ये वो सो करके। तो मैंने आपको वही दिखाया है, आप वहाँ पे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये बैम्बूज हैं गाइस, बैम्बू ट्री आप देख सकते हैं, बहुत लंबे लंबे, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और ये एक लुक है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, लाइक जो आश्रम में यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये एक मंदिर का पीछे से मैंने हल्का सा जूम करके लुक ले रखा है आप लोग को दिखाने के लिए कि हाँ चलो दिखाते हैं करके। और फिर ये हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके आगे एक और मंदिर है, और इसके पीछे जो मैं आपको काली नदी बोलती हूँ, वो काली नदी इसके पीछे है, वो जो आप देख रहे हैं वाइट गेट है जहाँ से मंकी निकला है इसके पीछे। और यहाँ पे गाइस लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आई थी तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा छुप छुप के बनानी पड़ी वीडियो। ये कैमरा जस्ट मैंने अपने पेट में रख रखा है, और पेट में रखने के बाद हल्का सा देख रही हूँ, जूम इन जूम आउट कर रही हूँ, दैट्स वाई बहुत हिल रहा है कैमरा। इट्स अ फ़ोन। एंड ये पीछे वाला मंदिर है गाइज, वहाँ पे सबसे लास्ट एंडिंग बूम का, ये अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये जो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये वही नदी है जो काली नदी जिसे कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताया, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो। ये मंदिर से पीछे का एक लुक पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा यार, देखो यहाँ पे भी लिखा है फ़ोटो वोटो खींचना मना है ना, तो फिर मैंने सोचा यार ये पीछे क्या है, ज़रा यहाँ पीछे देखो एक बार, क्योंकि यहाँ जंगल टाइप का कुछ था पर यहाँ सिर्फ जंगल ही था, तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने बोला चलो कुछ नहीं है वहाँ पे, और इसके अंदर ये मंदिर था, तो मैंने शायद जूम किया होगा, नहीं किया। यहाँ पर ये कछुए वछुए इस टाइप की, हाथी वगैरह इस टाइप की बाहर से इन लोगों ने मूर्ति लगा रखी है, एज़ यू गाइज कैन सी। तो हाँ शायद मैंने जूम किया था उस टाइम पे, हाँ मैंने किया था। ये भी एक मंदिर है जो वहाँ पीछे पड़ता है। तो यहाँ से हम गाइज ये आगे निकल चुके हैं, और ये अब वहाँ से जहाँ से पीछे से आ गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेड़ थे यहाँ पे, फ्लावर्स एंड ऑल स्टफ़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ब्यूटीफुल था गाइज। आपको शायद कैमरे से उतना ब्यूटी इसका पता ना चल पा रहा हो, बट व्हेन यू विल सी विद योर आइज इन द फ्रंट ना, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद द फ्लावर्स एंड ऑल द ब्यूटी। और ये जो मैंने हल्का सा जूम करके आपको दिखाया, ये मैंने थोड़ा दूर से दिखाया कि ऑल द टेम्पल कैसा है, पूरा टेम्पल मतलब कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टेम्पल नहीं है। हाँ ये मेन है, ये जो है ये मेन टेम्पल है, तो फिर इसके बाद शायद से हम अंदर जा रहे हैं। हाँ वी आर गोइंग टू इनसाइड। तो फिर यहाँ पर ये मेन है गाइज, यहाँ पे पूरी नौ दुर्गा हैं, नौ देवियों की मूर्ति हैं। अगर आप लोग टनकपुर से तो आपको पता होगा बूम आए होंगे, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा बूम। ये यहाँ पर का मेन है, इसके अंदर बहुत कम जाने दिया जाता है, और बाकी ये सब ऐसे मूर्तियाँ लगा रखी हैं। बाकी इस टेम्पल के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं, लाइक गणेश जी के हो गए, और वो तो चलो नौ दुर्गे की, वो तो ये मेन जो है यहाँ पर जो दिखाया था मैंने, ये तो नौ दुर्गे की हो गई, वो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। जाली से शायद आपको दिख ना पा रहा हो इतना प्रॉपर वे में, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और भी ये सब मंदिर हैं, जैसे गणेश जी के हो गए, शिव जी के हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एज़ यू कैन सी गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे से अंदर, बट जाली में से शायद मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ, शायद इतना विजिबल नहीं है। और ये सामने गणेश जी का है, और यहाँ पर हनुमान जी का, शिव जी का, सब चीज का है गाइज, ये जितने जितने आपको पार्ट्स दिख रहे हैं। और ये अलग अलग जो ये मंदिर बने हैं, ये यहाँ पे भी अलग अलग माताओं का मंदिर है, देवियों का मेन यहाँ पे मंदिर है। और ये अभी मंदिर, ये जो सामने वाला है ये लॉक है,
लॉक कर रखा है और यहाँ पे 12 बजे से 3 बजे तक फिर सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए ये भी लॉक कर दिया गया है, तो आगे वाला ये भी लॉक कर दिया, क्योंकि जब हम वहाँ पे थे तो उस टाइम पे शायद से 12:30 एक बज गया था, तो 1 बजे में तो फिर वो मंदिर लॉक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बट जितने खुले थे उतने हमने आपको दिखाए, बाकी आप देख सकते हैं इस टाइप की वहाँ पे आपको स्टैचूज़ देखने को, ये गाइस सामने वाला भी बंद है और आपको वहाँ पे स्टैचूज़ टाइप के देखने को मिल जाएंगे, लाइक हाथी के, शेर के, उन लोगों ने बना रखा है लाइक मूर्ति टाइप में। तो ये गाइस हम अंदर में जो था इतना ही था, बाकी हम वहाँ से अब निकल चुके हैं, उतर चुके हैं और आप लोगों को ऐसे ही दिखा दे रहे हैं थोड़ा स्पीड करके। बाकी फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर से मैंने बोला कि अब मैं ऐसे अच्छे से पूरा दिखा दूंगी करके, तो मैंने फिर मुझे बोल भी रहे थे कि लाइक क्यों दिखा रही है कि गुस्सा करेंगे, मैंने बोला अब तो बाहर में जाए। So guys, finally, इतना चोरी चुपके, इतना मतलब क्या बताएं आपको, ऐसा हो गया था कि क्या करें कैसे करें, बट फिर भी हम लोग ने आप लोगों के लिए इतना रिस्क लिया, इतनी रिस्की काम किया। हम लोगों ने हमें मुँह पे बोला कि यहाँ पे वीडियोज वगैरह नहीं बन सकती है और फोटोज तो बिल्कुल ही नहीं क्लिक कर सकते, आई मीन वीडियो तो दूर की बात है, फोटोज भी क्लिक नहीं कर सकते हैं, बट हमने फिर भी किया। सो गाइज प्लीज लाइक वाइक तो बनता है और इसको शेयर करना तो जरूर बनता है, और उसके बाद भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है और मैं वहाँ पे बोल नहीं पाई थी गाइज, तो इसीलिए मैंने उसके पीछे से फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक वो बैकग्राउंड वॉइस डाली है। सो इट्स रियली ओ माई गॉड डेयरिंग फॉर अस, इट्स अ डेयर, यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ डेयर फॉर अस, सो इट जस्ट लाइक ओ माई गॉड भगवान जी प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हम लोग तो उनको देखने के लिए जा रहे थे, आप सबको दिखा रहे थे, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, इट्स ओके। और बाकी अब हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि यहाँ से भी आपको भूम मंदिर के पीछे का गेट, जो हमने गेट से आपको पानी दिखाया था ना वहाँ पे गेट में से कि पीछे का पानी है, तो यहाँ पर से भी हम आपको दिखाते हैं कि भूम मंदिर यहीं पे है जस्ट, और ये रिवर है यहाँ पे। बेसिकली मैंने अपनी वीडियो काफ़ी शूट कर रखी है, इफ़ यू डिडंट सी माय वीडियो टिल येट सो गो ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड जस्ट चेक इट आउट, इट्स बेबू नमिता एंड आई ऑलवेज गिव माय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द यूट्यूब, सो क्लिक एंड गो देयर एंड डू फॉलो मी। सो लेट्स गो। तो हाँ ये तो गाइज हम लोग ये नीचे उतर रहे हैं, ओके ये कैमरा पकड़ लो, मेरे हाथ दर्द हो गया। तो गाइज ये कैमरा पकड़ रहे हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। सो ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा ही बूम में भी था, आई नो ऐसा ही बूम में भी था, बट बूम में यू नो इतना ज़्यादा वो नहीं था, हम इतना पास से नहीं देख सकते थे, बट इधर पे से वी कैन फील द पानी कम हो गया, यू कैन फील द वाइब, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल, एज यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइज, इट्स टोटली लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम लविंग इट। एंड वो जो आपको वो दिख रहा है वहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज शूट करी हुई हैं। हाँ जूम कर लो, बट अभी थोड़ा सा वो जब क्या आया था नदी आई थी तो एक वो वहाँ पे वो बह चुका है हल्का सा, अदरवाइज वहाँ पे को मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज शूट करी हैं एंड ये लोकेशन भी है मेरी काफ़ी वीडियोज़ में, सो गाइज गो एंड मस्ट वॉच इट प्लीज़। सो अभी नीचे जाते हैं, आपको पास से दिखाते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है सर, आराम से कह रहा था फिसलने वाला है, पत्थरों में ग्रिप बनाओ अपनी, रेत में चले जाओ, रेत में जंप लो। सो फाइनली मैं तो आ गई, अब तुम आओ। मुझे क्या है, मैं तो वैसे पहाड़ी बंदर जैसा हूँ। सो गाइस पानी कितना साफ है, नहाने का मन कर रहा है। वही ये भी ठंडा बहुत है। सो वही मैं दिखा रही हूँ कि लाइक फील द वाइब, इट्स सो ब्यूटीफुल अमेजिंग यू नो, और बहुत साफ पानी है गाइस, बहुत साफ, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत देखना जूते ना भीगे। सो यहाँ मछली भी पकड़ रहे हैं सामने भैया, ये है मछली पकड़ने वाले भैया, ये भी देख रहे हैं वो। ये देखो कितना साफ पानी है, इसमें कुछ भी ना कण है ना कुछ है, कोई कण नहीं है इसमें, बहुत साफ पानी है यार, बहुत ज़्यादा साफ पानी है, इसको मतलब पी भी सकते हैं बट पीना नहीं चाहिए। तो ये नदी वही है ना जो खटीमा, और ये नदी है जो आपकी गंगा जमुना सब एक मिलती हैं आगे जाके, और बाद में हरिद्वार में ये नदी सब एक बनती हैं। इस नदी का नाम है शारदा नदी।
इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो पिथौरागढ़ से निकलती है और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और ये आगे जाके हरिद्वार में डायरेक्ट गंगा, यमुना सरस्वती सब एक हो जाती है। ये थोड़ा सा वो भी है, सो मैं पत्थर पे जाना चाहूंगी। ध्यान से, बस हो गया, गहरा है, तेरे बहुत ध्यान रखना इस चीज का। पानी के अंदर का लोकेशन में दिखा देगा इनको। हाँ, आप लोग को पानी के अंदर का लोकेशन, ये मैं पानी दिखा रही थी कि इतना साफ है। अरे हाँ यार, इन लोगों को पानी के अंदर का लोकेशन व्यू दिखा देते हैं। एक काम करो, तुम दिखाओ, इधर पे आओ, तुम आओ इधर पे, तुम्हें हट पीछे हटो तुम पहले को। चलो इनको गाइस, तो आपको अब हम पानी के अंदर का व्यू दिखाने जा रहे हैं। ये आपको पानी के अंदर का व्यू दिखाएंगे, तो अच्छा लगेगा, देखिएगा, बताना, जाइए पानी के अंदर। तो गाइस, अब हम फाइनली आपको पानी के अंदर का व्यू दिखाने वाले हैं, कैसा क्या लगता है। तो थोड़ा देर कैमरा रखना अंदर, उसके बाद निकालना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आगे से भी दिखाएंगे, बट अभी यहाँ से देख लो आप लोग व्यू। तो हल्का सा जूम करके चलो पानी के अंदर। आप लोगों को पानी के अंदर का नजारा दिखाऊंगा, कैसा क्या है करके। बस मेरे हाथ से फोन नीचे छूट ना जाए, बाकी सब ठीक है। सो कोशिश पूरी रहेगी कि मेरे हाथ से कैमरा छूटे ना। भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। ओके चलो। तो गाइस, हम आ गए हैं वहाँ से बाहर, एंड इधर पे भी एक मंदिर है ही। इधर पे हमारी बाइक है, हमने पार्क करी थी, ये कुत्ता इसका रखवाली कर रहा था। और दिस इज मंदिर, ये भी मंदिर है। वो मंदिर के बाद, वो मंदिर से पहले पड़ता है, उसके बाद वो मंदिर पड़ता है। सो इट्स ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। एंड दिस इज द, यार इस पेड़ का ना, इसको पेड़, इस पेड़ को क्या कहते हैं, पीपल ना। हाँ, ये पीपल का पेड़ है। थक गए यार मैं आते आते, चलो लेट्स मूव। और राफ्टिंग के लिए देखो, वो जो होता है वो राफ्टिंग के लिए, ये है रखा हुआ, जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ राफ्टिंग भी होती है ना, तो इसीलिए ये रख रखा है। तो बहुत जल्दी गाइस राफ्टिंग की वीडियो भी आएगी आपके पास, हम आपको देखेंगे राफ्टिंग करते हुए भी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो गाड़ी लाओ जल्दी। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपना लंच करने के लिए। तो फिर अभी हमने लंच ऑर्डर कर लिया है, लेट्स सी क्या लाते हैं, क्या लाते हैं, जो हमने ऑर्डर किया है ऑफकोर्स वही लाएंगे। सो उसके बाद हम लंच के बाद आपको मिलते हैं। सो या गाइस, एज यू कैन सी, हम लोगों ने अपना सारा खाना फिनिश कर लिया है, और ये सेकेंड प्लेट है, और हम लोग दोनों ने अपना फिनिश कर लिया है, और अब हम निकलते हैं घर के। तो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं खा के, और घर पहुँच के मिलते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली वी आर इन आवर होम। इतनी सुबह निकलने के बाद अभी 4 बजे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो आई एंजॉयड अ लॉट टुडे, एंड आई एम लिटरली टायर्ड आल्सो। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगे, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, फर्स्ट टाइम कमिंग टू माई चैनल, सो डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लिटिल बेल फॉर टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई डू डेली अपडेट्स। एंड या, जस्ट टेक केयर योर सेल्फ, बी हेल्दी, बी सेफ, एंड आई लव यू ऑल ऑलवेज। बाय।